चेहरे की स्माइल ही बता रही है कि सियाह भाई से मुलाकात हो गया। तो आपका हुआ क्या नाम है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं उनके सफर के लिए सियाह भाई? तो क्या कहना चाहते हैं सियाह भाई के सफर के लिए? माशाल्लाह सफर अच्छा रहे उनका, अल्लाह उनकी सफर में रहबरी फरमाए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना एमडी आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए सफ़र, एक नए ब्लॉग में। सो दोस्तों, आज 29 सितंबर 2022 शाम को 4 बज रहे हैं, तो आज सियाह भाई का पूरी लोकेशन का अपडेट लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सियाह भाई 3 से 4 दिन से रुके हुए हैं आफिया किड स्कूल खासा गांव जिला अमृतसर। तो वहां से आज निकले हैं कि नहीं निकले हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। आप सभी लोगों को इस वीडियो में सियाह भाई की पूरी जानकारी मिलेगी, तो बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट। सो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सियाह भाई को देखने के लिए, मिलने के लिए कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं सियाह भाई का। तो सियाह भाई अभी भी आफिया किड स्कूल खासा गांव ज़िला अमृतसर में रुके हुए हैं। तो देख सकते हैं बाहर, गेट के बाहर इतने लोग जुटे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, एक एक लोगों से बात करते हैं, कहां से आए हैं, कहां से लोग आए हैं, किस लिए आए हैं। तो सियाह भाई के सफ़र के लिए क्या दुआ करना चाहते हैं, तो आइए लोगों से मिलते हैं, उनका नाम जानते हैं, कैसे हैं वो लोग। चलिए चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दो भाई लोग हैं जो कि सियाह भाई से मिलने के लिए आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम है भाई जान? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम। मोहम्मद इरशाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे परमानेंट काम करता हूँ। कौन सा काम करते हैं यहाँ पे? एसी का काम करता हूँ। एसी का काम? हाँ जी। तो काम छोड़ करके भाई जान सियाह भाई से मिलने के लिए आए हैं? मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था सियाह भाई का। अच्छा, कि जब भी हमारे यहाँ हमारे सिटी में आया तो जरूर उनसे मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अभी तक तो मुलाकात हो गई होगी? नहीं नहीं, हमारी नहीं हुई। कब बजे का आए हुए हैं? मैं घंटे हो गए, एक घंटे से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, और कर लो। अच्छा, कितने बजे बताएं? बोले 5:30 बजे तक सियाह भाई बाहर आएंगे। अच्छा, अंदर थोड़े रेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी सियाह भाई यहीं पर हैं आफिया किड स्कूल में, जो कि देख सकते हैं भाई भी। सियाह भाई आज निकलते हैं बाहर लोगों से मिलने के लिए कि नहीं, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग सियाह भाई को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दूर दूर से कुछ पास लोग हैं, तो यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मौलाना साहब? मेरा नाम मोहम्मद मुत्तलिब है। मोहम्मद मुत्तलिब? मोहम्मद मुत्तलिब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से लोकल हैं कि उत्तराखंड से? उत्तराखंड मिलने आए हैं खास करके। तो मुलाकात हुआ आपका? नहीं, अभी कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, तो क्या कहना? 10-12 दिन हमें यहाँ पर आए हुआ। 10-12 दिन से? तो 10-12 दिन से तो सियाह भाई यहाँ पे नहीं है। नहीं, हम वहाँ थे ना, तरन तार में थे ना वो। अच्छा, वहाँ भी आए थे, तो वहाँ हुआ था कि नहीं? नहीं, वहाँ पर मुलाकात हुई थी, लेकिन अब दोबारा फिर मिलना। अच्छा, दोबारा मिलना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सियाह भाई के सफ़र के लिए? माशाल्लाह सफ़र अच्छा रहे उनका, अल्लाह उनकी सफ़र में रहबरी फरमाए, और हमारे माशाल्लाह आखिर तक इंशाल्लाह वो उनका हौसला अफजाई होता रहे, और इंशाल्लाह जितना हम हौसला अफजाई देंगे इंशाल्लाह उनका भी हौसला अफजाई होगा। इंशाल्लाह उनके सफर को कबूल करे, आसान और उनके हज को कबूल करे। तो कुछ दिन में सियाह भाई पाकिस्तान में एंटर कर जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए 2-3 दिन रुके हैं, तो कोई कंफर्म नहीं है कब निकल जाए यहाँ से? ये नहीं पता चला है कि मतलब उनकी जो रुकावट हो रही है कि किस वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं, वो थोड़ा अगर हमारे सामने आ जाती वो चीज़ तो हमें पता चल जाता फिर। जी जी, यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर वो रुके हुए हैं। माशाल्लाह बिल्कुल बॉर्डर पे वो पहुँचे हुए हैं, 10-12 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हमें तो लगता है कि सियाह भाई इसलिए रुके हुए हैं कि जो बाकी हैं लोग उनसे अच्छे से मुलाकात हो जाए, फिर जाएं हम पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जाने के बाद तो इंडिया वालों से मुलाकात तो हो नहीं पाएगी। तो हमें तो लगता है इसीलिए रुके हुए हैं। लेकिन अगर इस वजह से अगर रुकेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे का भी तो सफ़र है उनका, फिर वहाँ पर पहुँचने में उनको दिक्कत पड़ेगी। सारी चीज़ें हैं इंसान के सामने। नहीं नहीं, ये भी बात सही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर अगर एंड टाइम पे भी अगर पहुँचेंगे तो फिर हज करने में भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस वक्त जो है 1-1.5 महीने पहले दिक्कत पड़ जाती है, सारी की सारी चीज़ दिक्कत होती है। जी जी। तो हम चाह रहे थे कि अपना वहाँ पहले पहुँच जाते, अपना आराम से रहते, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। हाँ, चलिए शुक्रिया आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों सियाह भाई। वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई जान आपका? मेरा नाम एआर रहमान सैफी है। एआर रहमान सैफी जी। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से जी। तो यहाँ सियाह भाई से मिलने आए? सियाह भाई से खासकर मुलाकात के लिए आए। अच्छा, तो मुलाकात हुआ आपका? मुलाकात अभी हुआ नहीं है, अभी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मैं और हमारे बहनोई। अच्छा जी, क्या नाम है आपका भाई जान? शहीद अहमद। शहीद अहमद जी, आप भी यूपी के? जी यूपी के।
अच्छा अच्छा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट और अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे मैसेज पूरे संसार में फैले फैले। शुक्रिया भाईजान हमारे चैनल पे आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, सभी लोग खिलखिलाते मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सियाब भाई से सभी लोगों का मुलाकात हो गया। तो देख सकते हैं सभी लोग बाहर आ रहे हैं। तो यही आफिया किड स्कूल में सियाब भाई आज भी रुके हैं, आज भी निकलने का उनका कोई कंफर्म नहीं है। तो बने रहे हैं आप सभी लोग वीडियो में, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुलाकात हुआ? हाँ हाँ मुलाकात। खुश हैं? चेहरे की स्माइली बता रही है कि मुलाकात हो गया सियाब भाई से। चलिए सो देख सकते हैं दोस्तों, सियाब भाई से मिलकर आ गए हैं, चेहरे का स्माइल ही बता रहा है कि सियाब भाई से मुलाकात हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्वाजा अहमद। ख्वाजा अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? हम यशियाडा चौक पे, हमारा समय ढाबा है। अच्छा, ढाबा चलाते हैं। तो यहीं प्रॉपर यहीं के हैं कि यूपी के हैं? यूपी के हैं। यूपी के हैं, इसलिए मैं पूछा हूँ कि यूपी के बहुत लोग हैं यहाँ पे। मुलाकात बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं उनके सफर के लिए सियाब भाई? उनका सफर अल्लाह ताला आसान फरमाए और अल्लाह से हमें भी नसीब फरमाए। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माथुर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कानपुर पुखराया। कानपुर पुखराया। सियाब भाई से तो मुलाकात हो गई? मुलाकात हो गई। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना, जो हमारे अरमान थे और जो दुआएं थी सभी लोगों के लिए हम लेके आए थे। सियाब भाई कहे आप हमारे लिए दुआ करिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सियाब भाई से मुलाकात हुआ? तो कितने देर से वेट कर रहे थे? काफी देर से कर रहे थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग तो ऐसे बिहार के रहने वाले हैं, अररिया जिला। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ काम वगैरह? हाँ, यहीं पे काम करते हैं हम। अच्छा, तो सियाब भाई से मुलाकात हो गया? चेहरे की स्माइल ही बता रही है कि सियाब भाई से मुलाकात हो गया। तो आपका हुआ, क्या नाम है आपका? अरसी जहाँ। तो पढ़ती हैं आप? किस स्कूल में पढ़ती हैं? एन पब्लिक। कितने में? 5th क्लास। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। सियाब भाई के लिए क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, सही सलामत से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? क्या कस्क बोलो, कस्क के बोलिए। अजमती। तो सियाब भाई से मिली हैं आप? हाँ, आपसे मिले सियाब भाई, माशाल्लाह। और आप कहाँ के हैं भाईजान? बिहार। आप भी साथी हैं आप लोग? हमारा दामाद भाई। अच्छा, आपके दामाद जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब परिवार ही आप लोग आए हैं मिलने के लिए। चलिए माशाल्लाह, मुलाकात हो गया बढ़िया से। धन्यवाद आप सभी लोगों का। देख सकते हैं दोस्तों, सभी लोगों से सियाब भाई का मुलाकात हो गया। तो देख सकते हैं सभी लोग खिलखिलाते हंसते हुए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे से वेट कर रहे हैं थे इतनी घाम में। तो सियाब भाई 5 बजे करीब बाहर निकले और सभी लोगों से मुलाकात किए। तो सियाब भाई अभी भी यहीं पे रुके हुए हैं, आफिया किड स्कूल, ग्राम खासा, ज़िला अमृतसर, स्टेट पंजाब। तो यहाँ से आज भी निकलने का उनका कोई कंफर्म नहीं है, देखते हैं कब निकलते हैं। तो यहाँ से सभी लोग धीरे धीरे उनको छोड़कर जा भी रहे हैं, यूट्यूबर जितने भी हैं। तो हम सभी लोग केरला के यूट्यूबर जितने भी थे सभी लोग चले गए, और हम लोग हिंदी यूट्यूबर जितने बचे हुए हैं, जैसे कि हम हो गए हैं, अरबाज भाई हो गए, गफार भाई हो गए, नूर भाई हो गए, अजंता न्यूज हो गए, कभी निसार कुटिया जी हो गए हैं, और 2-3 लोग हैं जो कि हिंदी यूट्यूबर हैं, वो सभी लोग रुके हुए हैं। आप सभी लोगों, चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, खुदा हाफिज़, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेट ब्लॉग ने